हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो मैं इसमें ट्रिक दूंगा वो काफ़ी यूजफुल है कंपटीशंस के लिए, चाहे वो गेट नेट के स्टूडेंट्स हों, बार के फर्जेस्ट और एम के स्टूडेंट्स हों, और चाहे एम एस सी फिजिक्स के बी एच यू और डी यू और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम देंगे उन स्टूडेंटों के लिए काफ़ी बेनिफिट देगी ऐसी मुझे उम्मीद है। तो पहली प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ, इफ़ वी एक्स इजकल टू एक्स टू माइनस थ्री एक्स प्लस टू, पूछा है कि मिनिमम जो पोजीशन है एक्स की उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी क्या होगी ऑसिलेशन की। तो लगातार बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस है आजकल एग्जामिनर का, लगातार पूछा जा रहा है कंपटीशंस में। तो पहले हम क्या करें, डेल वी ओवर डेल एक्स कर दें, इसका वी एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रेस्पेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, क्योंकि जब हम एफ एक्स लेंगे फोर्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन तो उसकी वैल्यू होगी माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। तो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू एक्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो हमारे पास आएगा, अगर नेगेटिव साइन के साथ हम ले लेंगे इसे तो फोर्स मिलेगा हमें, लेकिन क्योंकि नेगेटिव साइन जो है जब हम जीरो करते हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो सीधा डेल वी ओवर डेल एक्स को जीरो कर दें तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन थ्री एक्स स्क्वायर होगा, माइनस थ्री एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन माइनस थ्री होगा और इसका जीरो होगा, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री की वैल्यू जीरो हो जाएगी और एक्स हो जाएगा हमारा प्लस माइनस वन। एक्स बराबर प्लस माइनस वन के ऊपर फोर्स की जो वैल्यू है वो जीरो होगी। तो उसके बाद हम क्या करें कि डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ले लें यहाँ से, तो डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर का हो जाएगा सिक्स एक्स और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी जीरो, थ्री का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स जीरो होगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है। तो ये एक्स बराबर प्लस माइनस वन का वैल्यू देखें तो एक्स बराबर प्लस वन यहाँ रख दें तो ये सिक्स वैल्यू हो जाएगी। ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है अंडर रूट डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर एट एक्स बराबर एक्स नॉट, ये वैल्यू ले लें, ये एक्स नॉट की वैल्यू है जहाँ पर फोर्स जीरो था अपॉन एन, ये अंडर रूट में है पूरा, तो इस फॉर्मूले को भी रिमेंबर रखें। डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर जब एक्स बराबर एक्स नॉट पर लिया है तो हमारा सिक्स है, एक्स बराबर एक्स नॉट पर वैल्यू इसकी, और एन वन अगर दे रखा है क्वेश्चन में तो ये आंसर रूट सिक्स हो जाएगा। अगर एन की वैल्यू कुछ गिविन है क्वेश्चन के अंदर तो वो यहाँ पर पुट कर दें उसके बाद सॉल्व करें। तो ध्यान रखें कि अगर हमें वी एक्स का फंक्शन देता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछता है तो सबसे पहले जब भी वी एक्स का फंक्शन होगा तो डेल वी ओवर डेल एक्स को जीरो करें, उससे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लें कि इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू जीरो है, फिर डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर जहाँ पर फोर्स जीरो था जैसे एक्स बराबर एक्स नॉट कॉर्डिनेट पर उस पर डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, और ओमेगा की वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसके लिए अंडर रूट डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर एट एक्स बराबर एक्स नॉट अपॉन एम का ये फॉर्मूला अप्लाई करें, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन था बीएचयू 2018 में पूछा गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ये कंपटीशन के आए हुए हैं जो मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ। एच जो होता है हैमिल्टोनियन उसे रिमेंबर रखें कि एच जो होता है वो सबमिशन पी जे क्यू जे डॉट माइनस एल होता है, तो ये फॉर्मूला ही पूछा जाता है सिंपली। पी जे यहाँ पे जनरलाइज मोमेंटम है और क्यू जे जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, एल लैग्रांजियन है, और क्यू जे डॉट जो है वो डी क्यू जे अपॉन डी टी होगा डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हैमिल्टोनियन टी प्लस वी को रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी को, तो हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी को तब रिप्रेजेंट करता है जब सिस्टम कंजर्वेटिव हो और जो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है वो केवल पोजीशन का फंक्शन हो, टाइम पर डिपेंड ना करती हो, या ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन जो है इट शुड बी इंडिपेंडेंट अपॉन द टाइम। तो पी जे क्यू जे डॉट की वैल्यू टू टी होती है और लैग्रांजियन टी माइनस वी होता है, तो जब हम टू टी माइनस वी करेंगे और माइनस एक पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये हमारा टी प्लस वी बन जाएगा। हैमिल्टोनियन जो होता है उसमें जो पोजीशन और मोमेंटम जो है उसमें हैमिल्टोनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को पी के टर्म्स में लेते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी में अगर कहीं पे कोऑर्डिनेट आ जाता है तो उसे भी पोजीशन में और मोमेंटम में कन्वर्ट करते हैं, तो जो हैमिल्टोनियन है वो ऑलवेज पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम कोऑर्डिनेट में लिखा जाता है, और फिर स्पेस कंसेप्ट की तरफ कोई अप्रोच करता है। तो ये सब चीज़ें रिमेंबर रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा था। लैग्रांजियन देता है, कई बार पूछता है कि इसके अंदर बताएं लैग्रांजियन देख के कौन सा कोऑर्डिनेट साइक्लिक है, तो याद रखें कि दोज कोऑर्डिनेट विच डज नॉट अपीयर इन द लैग्रांजियन दे आर सेड टू बी साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। तो अगर लैग्रांजियन में है देखें, लैग्रांजियन दे रखा हाफ एम ब्रैकेट में आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस के अपॉन आर, ये जो हमारा इलिप्टिकल पाथ के अंदर मोशन होती है जब सन चारों तरफ रिवॉल्व करती है जो अर्थ है सन के, या सेकंड केस में जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में,
तो तब इस फॉर्म में लैग्रांजियन लिखा जाता है। तो यहाँ इसमें हम देख रहे हैं कि कॉग्निट थीटा जो है वो साइक्लिक है, तो पी थीटा जो एंगुलर मोमेंटम है वो कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन होगा। इसमें क्योंकि लैग्रांजियन के अंदर हम देख रहे हैं कि कोई भी एक्सप्रेशंस टाइम का फंक्शन नहीं आ रहा है, अलग से इंडिपेंडेंट टाइम फंक्शंस, तो ये जो इसके अंदर लैग्रांजियन जब टाइम का फंक्शन नहीं होता, जब पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि के वाई आर है, पोजिशन का फंक्शन है, ये काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट अपॉन द टाइम है, तो ऐसे केस के अंदर जो है एनर्जी कंजर्व रहती है। तो इसमें एनर्जी भी कंजर्व होगी और पी थीटा मीन्स एंगुलर मोमेंटम एल बी कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन होगा, तो कई बार पूछता है, और कोऑर्डिनेट थीटा साइक्लिक होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कम्पटीशन में। ये भी बी एच यू 2018 में क्वेश्चन था, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कम्पटीशन का। तो वही चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो काफ़ी यूजफुल टॉपिक्स हैं। एक्स वाई अगर हमारा है क्यू जे पी जे का फंक्शन है, ये क्वांटिटी है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एक्स अपॉन डेल क्यू जे, डेल वाई अपॉन डेल पी जे माइनस डेल एक्स अपॉन डेल पी जे डेल वाई अपॉन डेल क्यू जे। इस फॉर्मूले को हम लगातार यूज करते हैं, पॉइजन ब्रैकेट फार्मूला कहलाता है। तो इस फॉर्मूले को ऑलवेज रिमेंबर रखें और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करके चलें। हैमिल्टोनियन के फॉर्म में क्यू जे डॉट और पी जे डॉट के एक्सप्रेशन पूछे जाते हैं कम्पटीशन में। तो क्यू जे डॉट जो होता है वो डेल एच अपॉन डेल पी जे होता है, और पी जे डॉट की वैल्यू होती है माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू जे, और माइनस डेल एल अपॉन डेल टी होता है डेल एच अपॉन डेल टी। ये कैनोनिकल हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती हैं। अगर हैमिल्टोनियन पी जे पर निर्भर नहीं करता तो क्यू जे डॉट की वैल्यू जीरो होती है और क्यू जे उस समय पर कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन होता है। अगर हैमिल्टोनियन क्यू जे पर निर्भर नहीं करता तो पी जे डॉट जीरो होता है, तब पी जे कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन होता है, और अगर हैमिल्टोनियन में टी नहीं आता तो डेल एच अपॉन डेल टी जीरो हो जाता है, फिर माइनस डेल एल अपॉन डेल टी भी जीरो होगा, एल कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन होगा। तो अगर लैग्रांजियन के अंदर टाइम अपीयर नहीं करता तो हैमिल्टोनियन में भी अपीयर नहीं करता, और हैमिल्टोनियन में अगर टाइम डिपेंडेंट, अगर हैमिल्टोनियन में टाइम नहीं आता तो लैग्रांजियन में भी नहीं आता। इसका मतलब है कि जो लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन है, अगर दोनों एस्पेक्टों से हम देखेंगे तो अगर जो पोटेंशियल एनर्जी है अगर वो टाइम का फंक्शन नहीं होगी तो लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन दोनों ही बताएंगे कि एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहेगी। साथ साथ ये भी याद रखें कि जो होमोजेनिटी ऑफ टाइम है, कि टाइम जो होमोजीनियस होता है तो वो मोमेंट जो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है। ट्रांसलेशनल इन्वेरियंस जो है वो लीड्स टू लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बताता है, रोटेशनल इन्वेरियंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताता है। दो जो पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में जो पाथ होता है मिनिमम, वो स्ट्रेट लाइन होता है। मिनिमम सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन का पाथ कैटनरी होता है, और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि अगर पार्टिकल एंड वेव ट्यूब फॉल करता है मिनिमम टाइम में तो उसका जो पाथ होता है वो साइक्लॉइड होता है। तो इन चीज़ों को याद रखें, ये भी सीधे सीधे क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते रहते हैं। इसमें आगे जो मैंने डिस्कस किया है सिक्स में, वो रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट्स का क्वेश्चन था। रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट्स में जो होता है, जो बॉडी रिजिड कहलाती है, अगर दो कोई भी पार्टिकल्स उनके बीच का सेपरेशन अगर फिक्स रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रिजिड बॉडी है वो डिफरेंट पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। तो रिजिड बॉडी उसको कहते हैं कि कोई भी दो पार्टिकल्स या कहीं से भी हम लें, उन दोनों के बीच का अगर सेपरेशन ऑल द टाइम्स अगर वो कांस्टेंट रहता है तो वो बॉडी ऑलवेज रिजिड बॉडी कहलाती है। कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, ये दिस वन एक पार्टिकल है, ये इसका कोऑर्डिनेट आर आई है, ये रिजिड बॉडी के पार्ट है इस टाइप से, तो आर आई माइनस आर जे का अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन होगा और ये टाइम का फंक्शन नहीं होगा। अगर आर आई माइनस आर जे जो है वो टाइम का फंक्शन है तो उसको हम डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। जो रिजिड बॉडी होती है उसमें कंस्टेंट होती हैं कंजर्वेटिव, स्क्लेरोनॉमिक, होलोनॉमिक और बाइलेटरल। तो स्क्लेरोनॉमिक कंस्टेंट्स होती हैं, दो कंस्टेंट्स आर सेड टू बी स्क्लेरोनॉमिक कंस्टेंट्स विच आर टाइम इंडिपेंडेंट, एंड रिनोमिक कंस्टेंट्स आर द कंस्टेंट्स विच आर द फंक्शंस ऑफ द टाइम। होलोनॉमिक कंस्टेंट्स में जो होता है वो कंस्टेंट्स इंडिपेंडेंट अपॉन वेलोसिटी या तो होती है या उसे हम बना सकते हैं इंडिपेंडेंट अपॉन वेलोसिटी। और बाइलेटरल में जब एक्सप्रेशंस लिखा जाता है कंस्टेंट का, अगर वो इक्वलिटी साइन के साथ है तो कंस्टेंट बाइलेटरल होती है, और अगर उसमें अनइक्वलिटी साइन लगा होता तो यूनिलेटरल होती है। जैसे कंस्टेंट बराबर में लिखी जाती है या हमारी इस तरीका से लिखी जाती है, तो ये यूनिलेटरल कंस्टेंट होती है, बाइलेटरल होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और सिंपल पेंडुलम विद रिजिड सपोर्ट का जो केस है वो भी सेम रहता है। इसमें भी कंस्टेंट्स जो होती है सिंपल पेंडुलम विद रिजिड सपोर्ट में कंजर्वेटिव, स्क्लेरोनॉमिक, होलोनॉमिक और बाइलेटरल होती है। जो हमारे पास रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग केस होता है उसमें जो कंस्टेंट्स है वो नॉन होलोनॉमिक होती है।
तो क्योंकि नॉन होलोनोमिक केस के अंदर जो इसकी जो कंडीशंस है उसे हम इंडिपेंडेंट अपॉन वेलोसिटी नहीं बना पाते, इसलिए ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्लाइडिंग जो केस है वो नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट में आता है। तो कंस्ट्रेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं, कंपटीशंस में पूछी जा रही हैं। डिफॉर्मल बॉडीज पेंडुलम विद वेरिएबल लेंथ, ये जो दोनों केस हैं, ये जो केस हैं उनमें कंस्ट्रेंट रिनोमिक होती है। रिनोमिक का मतलब है कंस्ट्रेंट्स डिपेंड्स अपॉन द टाइम, जो मैं अभी यहाँ बता ही रहा था। बाइलेटरल होती है, इक्वल की साइन के साथ में हम प्रूट कर सकते हैं। अगर यहाँ एफ टी ए फंक्शन है तो ये डिफॉर्मल बॉडी कहलाएगी। तो फंक्शन यहाँ पर क्योंकि टाइम का आ रहा है तो ये रिनोमिक हो गया। बाइलेटरल इसलिए है क्योंकि इक्वल की साइन हमारा अप्लाई किया हुआ है। और होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स है क्योंकि होलोनोमिक में कंस्ट्रेंट्स को इंडिपेंडेंट अपॉन वेलोसिटी हम कर सकते हैं। और डिसिपेटिव है, जो जनरली कंस्ट्रेंट्स टाइम का फंक्शन होती हैं वो डिसिपेटिव कंस्ट्रेंट कहलाती हैं। जो कंस्ट्रेंट्स टाइम पर निर्भर नहीं करती वो हमारी कंजर्वेटिव कहलाती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन आ रहा है आजकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ए रिजिड बॉडी इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन ए प्लेन, पूछ रहा है कि, ये भी PHU का क्वेश्चन है 2018 का, उसमें पूछ रहा है कि अगर प्लेन के अंदर है तो अगर एक्स वाई प्लेन के अंदर है या वाई जेड प्लेन में या जेड एक्स प्लेन में है, अगर कोई फिक्स प्लेन हमारा बताता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी। और किसी भी प्लेन में अगर पार्टिकल जाने के लिए फ्री है, या वो एक्स वाई में जा सकता है, वाई जेड में जा सकता है या जेड एक्स में, तब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में मैं 4-5 चीज़ें हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और बताना चाहूँगा। सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम में केवल थीटा वेरिएबल रहता है तो वहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रहती है। सर्किल में एंगल थीटा चेंज होता है, आर जो फिक्स रहती है तो वहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल होता है सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, वहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है। जब इलेप्टिकल केस में जाते हैं तो वहाँ पर आर और थीटा दोनों वेरिएबल होते हैं, तो दोनों के वेरिएबल होने से डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है। अगर पार्टिकल मूविंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ मूव करता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाती है। तो इस टाइप से हमें सब डिग्री ऑफ फ्रीडम्स का काम करके रखना चाहिए। एयरबोर्न मशीन की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 1 होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहा था। लैग्रांजियन पूछता है सिस्टम्स का, लैग्रांजियन बताइए। तो लैग्रांजियन में याद रखें T-V, जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हम लें, V पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी T, तो T-V का जो अंतर है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वो लैग्रांजियन कहलाता है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस के लिए जो टी की वैल्यू है वो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर होगी, और वी जो होता है उसका वो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, जहाँ के एम ओमेगा स्क्वायर होता है। तो लैग्रांजियन हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, सिंपल जो हमारे हार्मोनिक मोशन है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में। कंपाउंड पेंडुलम में लैग्रांजियन होता है हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी आर कॉस थीटा, क्योंकि वी की वैल्यू होती है माइनस एम जी आर कॉस थीटा, और ये हमारा टी होता है हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर कंपाउंड पेंडुलम का। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड पेंडुलम में वो होता है टी बराबर 2 पाई एम जरूर आई अपॉन एम जी एल, और आई को हम लिखते हैं एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर। तो टी का एक फॉर्मूला बनता है टी बराबर 2 पाई एम जरूर के स्क्वायर अपॉन एल प्लस एल अपॉन जी, तो उसको भी दिमाग में रखें। स्पेरिकल पेंडुलम का लैग्रांजियन जो होता है वो होता है हाफ एम आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा 5 स्क्वायर, और भी होता है हमारा एम जी आर कॉस थीटा। तो ये लैग्रांजियन मैंने 3-4 सिस्टम्स के लिखे थे, और जो ये लैग्रांजियन हमने यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी इस केस में। K की जो वैल्यू है वो हम अलग अलग ले लेंगे, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है जो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है 1/4πε0 ZE इंटू माइनस ई अपॉन आर, तो वहाँ पे वी ए ले लें इसकी जगह पे, और लैग्रांजियन को टी माइनस वी यूज कर लें। ग्रेविटेशनल फोर्स में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है सदर्ड सिस्टम की वो होती है वी बराबर माइनस कैपिटल जी MEMS अपॉन आर, तो वहाँ पे यूज कर लें और एल को टी माइनस वी करके लैग्रांजियन लिख दें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ये क्वेश्चंस भी BHU से आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी ये काफ़ी कंपटीशंस में पूछे जाते रहते हैं। PJ डॉट की वैल्यू डेल एल अपॉन डेल क्यू जो होती है, ये PJ डॉट जो है वो जनरलाइज्ड जो मोमेंट है उसका टाइम डेरिवेटिव होगा। PJ जो होता है वो डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट होता है, तो इन दोनों फॉर्मूलों को भी रिमेंबर रखें। और ये भी याद रखें कि अगर हमारा क्यू जे अपीयर नहीं करता लैग्रांजियन में तो डेल एल अपॉन डेल क्यू जे जीरो हो जाएगा, और पी जे डॉट जीरो होने से पी जे कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन हो जाएगा, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट का एक्सप्रेशन हमें मिलेगा यहाँ से। इसमें मैंने साथ साथ डिस्कस किया है यहाँ रॉकेट का फॉर्मूला, थ्रस्ट फोर्स जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है वी रियल डी एम अपॉन डी टी, और वी रियल दे रखा था BHU में क्वेश्चन था ये 2018 में, उसमें वी रियल दे रखा है 100 और डी एम अपॉन डी टी दे रखा है 10 की पावर 3,
तो आपका फोर्स 10 की पावर 5 न्यूटन आना था। तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस करके रखें, इस पर भी क्वेश्चन आते रहते हैं एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में। तो बीएचयू 2018 से क्वेश्चन था। याद रखें कि अगर किसी बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स अगर कई सारे काम कर रहे हैं और नेट फोर्स का सम अगर जीरो है तो वहाँ पर लीनियर मोमेंटम फिर कॉन्स्टेंट मोशन रहता है। अगर बॉडी के ऊपर डिफरेंट टॉर्क काम कर रहे हैं और टॉर्क का नेट सम जीरो है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट मोशन रहता है। तो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। यंग मॉडुलस बल्क मॉडुलस के बीच में और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इनके बीच में रिलेशन से याद रखें। वाई बराबर 3K1-2σ होता है। वाई यहाँ पे यंग मॉडुलस है, के यहाँ पे बल्क मॉडुलस है और सिग्मा यहाँ पे पॉइजन रेशो है। वाई बराबर 2η और ब्रैकेट में 1+σ होता है। सिग्मा पॉइजन रेशो, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और वाई यंग मॉडुलस होता है। तो इसको भी ध्यान रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन इस फॉर्मूलों पर बेस आते रहते हैं कंपटीशन में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा था, मुझे उम्मीद है। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कंपटीशंस की दुनिया में जो एमएससी के स्टूडेंट्स जो एंट्रेंस एग्जाम लिखेंगे वो भी लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन को बहुत अच्छे से पढ़ें। आजकल कंपटीशंस में काफ़ी पूछा जा रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो सभी को काफ़ी बेनिफिट देगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, और साथ साथ मेरे ये वीडियो सभी गाँव के बच्चों को समर्पित हैं जो गाइडेंस के अभाव में रहते हैं। तो कोशिश करते रहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कराते रहें और शेयर करते रहें इसके कंटेंट को। Thank you and best wishes.